सही कैच किया मैंने। पिंजरे में हम छोड़ने तो लगे हैं। ओ तेरी, ओ भाग गई यार, ओ तेरी पिंजरे में भी भाग जाएगी ये। ओ भाग गई, ओ तेरी घर में गई, घर में गई, ओए भाग गई। गलती हो गई, बहुत ही छोटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जू में लगाएंगे कैमरे, दो कैमरे लगाएंगे, एक लगाएंगे इंडोर, एक लगाएंगे आउटडोर, अगर जरूरत पड़ी तो मजीद लगाएंगे। फिलहाल हम ये वाले दो कैमरे लगाएंगे, ये है जी आउटडोर, ये है इंडोर। दोनों के दोनों जो हैं मूव करते हैं, आप घर पे बैठ के एप्लीकेशन की मदद से चारों तरफ देख सकते हैं जब आपका दिल चाहता है। और दोनों में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, बिल्कुल एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको कलर जो है वो व्यू मिलता है और अंधेरे में भी अच्छा ब्राइट व्यू मिलता है। वैसे तो ये नाइट विजन है लेकिन जब लाइट्स इनकी जलती है ना तो उसका इंप्रेशन और ही पड़ता है। ये सेंस करते हैं किसी भी मोशन को, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये हम लगाएंगे जू में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये वाला और ये वाला, तो दोनों जाके खोलेंगे और लगाएंगे इंशाल्लाह। ये दो कैमरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे पहले हमारे जो तीन चूज़े हैं, तो चूज़े बड़े नहीं हैं, बस तीन के तीन ही हैं, तो वो काफ़ी कायम दायम हुए हुए हैं माशाल्लाह। उनके लिए खुराक जो है वो डाल देते हैं, दाने डाल देते हैं। उसके अलावा ये देखें कितने मज़े से घूम रहे हैं, खुली जगह है। पानी के लिए मैंने ये डब्बा रखा था, इस पर मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने ये पॉपिट मुझे मिल गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भाई बशर ने जो है वो चूज़ों के नीचे पॉपिट रखा था, क्योंकि चूज़े अगर ज़्यादा पानी रखें किसी बर्तन में रखें तो गिरते पड़ते भीग जाते हैं और उससे वो बीमार होके मर जाते हैं। पॉपिट जो है उसमें थोड़ा सा ही पानी होता है, तो उसमें अगर गिरें पड़ें जो मर्जी करें भीगते नहीं है। पॉपिट मुझे मिल गया, मैंने उसमें पानी डाला, दाने मैंने नीचे डाले हुए थे, लेकिन पता नहीं चूज़ों ने क्या किया कि दाने जो हैं वो सारे के सारे पॉपिट में डाल दिए हुए हैं। ये देखें पॉपिट में दाने दाने हुए हुए हैं, तो इसको हम यहीं पे झाड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े गीले हो गए हैं। गीले दाने जो हैं वो भी चूज़ों के लिए अच्छे हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं। धुल जा भाई, पॉपिट है चूज़ों का। ओके जी, पॉपिट में जा चुका है पानी। चूज़ों ने काफ़ी खलबली मचाई हुई है, दाने बखेरे हुए हैं, पानी बखेरा हुआ है, यानी ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं हमारे चूज़े। कोई भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये इसकी निशानी ये है कि इनके पंजों के नीचे ना, ये देखें पंजों पे भी पंख उगे हुए हैं, पर उगे हुए हैं, तो गोल्डन बफ के पाँव से लेके सर तक पर ही पर होते हैं। बाजरा मैंने डाला हुआ है, बाजरा थोड़ा सा इसमें लास्ट रखा नहीं और डाल देंगे। उसके अलावा हमारे पास है बारीक चावल, चावल हैं बारीक दाने, हमने ये निकाल के रखे हैं चावलों के, तो थोड़े से हम ये भी डालेंगे, ये शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रही जी ढेरी, अब ये खा लेंगे आराम से मज़े से, सारा दिन का काम हो गया तमाम, इनका यही काम था। आ जाएं जी, यहाँ पे मैंने कैप पहनी है ना, तो मोहम्मद का भी बड़ा दिल चाहता कैप पहनने का, लेकिन इसकी कैप हो गई है गुम, तो अभी इसने टोपी पहन लिया, तो प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। कितने प्यारे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुँच चुके हैं जू में। अरे यार, कल हवा चल रही थी ना, फिर हम शाम को वो कबूतर का पता करने चले गए, हमारा कचरा यहीं पे रह गया। ये उठाते हैं, वो कैमरे यार लगा लें, टाइम पे लगाने हैं, फिर उसके लिए वायर शायद कम पड़ जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कैमरे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं जी, साथ में हम ये ड्रिल मशीन जो है ये यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त, ये हो गई, हमने खड़पेचे वगैरह ले लिए हैं। सबसे पहले हम आउटडोर वाला कैमरा लगाएंगे, ये वाला। ओए होए होए होए, इसके साथ ना चार्जर जो आया था वो, उसका मसला ये था कि वो इंडोर वाला था, हमें चाहिए आउटडोर वाला जो वाटरप्रूफ हो, तो वाटरप्रूफ ऑलरेडी मैंने मंगवा के रखा हुआ है। ये है जी वाटरप्रूफ अडाप्टर, चार्जर भी कहेंगे, अडाप्टर है 12 वोल्टेज का, ये हम लगाएंगे, ये बारिश में भी चल जाता है, इसके अंदर पानी नहीं जाता। तो जो इसके साथ था ना 12 वोल्टेज का, वो मैंने मोहम्मद की जो कार है ना उसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल, मतलब उस अडाप्टर को वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमारा जी ये कैमरा निकल चुका है, और कैमरे के साथ हमें मिल जाती है यहाँ पे ये स्क्रू, तीन है, तीन ही लगेंगे। उसके साथ हमें ये नन्ना मुन्ना सा पिद्दा सा पेचकस मिलता है, और साथ हमें मिलेगी ये बुकलेट। तो जी इस कैमरे को हम लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम लगाएंगे जी कैमरा, और ये सारा का सारा अंदर से वो दूर से बाहर से सारा कवर करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कैमरा लग चुका है, हो रहा हमारा घर, वहाँ से हम बैठ के इसे चेक कर सकते हैं। ओके जी,
हमारा चार्जर भी लग गया है, ये निकाल लेंगे। इसमें हमने वायर के कनेक्शन करने हैं बिजली के, तो अभी ये अडाप्टर में ये करंट की वायर जो है वो ये लगाएंगे और फिर कैमरे को चलाएंगे इंशाल्लाह। जी बिजली का कनेक्शन जो है वो हो चुका है, तो अभी अडाप्टर को लगा लेंगे इसमें। एक कैमरा हमारा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कबूतरी ने अंडा दिया है लेकिन किसी घोंसले में किसी डब्बे में नहीं दिया, उसके लिए मैं घास थोड़ी इकट्ठी कर लूं। उसका अंडा जो है ना घास से ही पकड़ के, हाथ लगाने से शायद इन्फेक्शन हो जाता है या अंडा खराब होने का खदशा होता है, तो घास से ही पकड़ के उसका एक डब्बे में अंडा रखते हैं। कबूतरी को भी कोशिश करते हैं कि उसे बता दें कि जनाब आपका अंडा इधर है, वो अंडा इसी से हम अंडा पकड़ेंगे। ऐसे आ जाना अंडे, ये आ गया अंडा, निकलो यहाँ से। ये जी घर इसका, इसमें ये अंडा हो गया। कबूतरी वो किधर गई, ये वाली है जी। ओए ओए, ये हमने पकड़ लिया। ये जी इसको दिखा दिया कि ये आपका अंडा है, इसमें ये शायद ये पहचान ले अपना अंडा। बहरहाल हमने इसे बता भी दिया है और अंडा साइड पे कर दिया क्योंकि वो अंडे को बहुत सेफ रख रही थी। हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि वो अंडे के पास जाती है कि नहीं। अंडे को घास में बड़ी नरम जगह पे बेड पे हमने रख दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एक कैमरा वहाँ पे लग चुका है, अभी दूसरे की बारी है। दूसरा हम ये आउटडोर वाला था, इनडोर लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ हमें अडाप्टर नहीं लगाना पड़ता, ये होल्डर साथ ही आया हुआ है तो इसी होल्डर में लग जाएगा। यानी अगर आप घर पर लगा रहे हैं ना तो कोई भी होल्डर में, चूड़ी वाले होल्डर में आप इसको लगा सकते हैं। तो हम इस साइड पे लगा रहे हैं होल्डर और कैमरा व्यू करेगा दूसरी साइड पे। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे हमारा जी ये कैमरा लग गया। परफेक्ट लगा, चूड़ियाँ भी टाइट हो गई हैं, ये कैमरा भी लग गया। इसकी बिजली पीछे से ऑन करते हैं फिर इसकी सेटिंग वेटिंग करते हैं। अभी वो कबूतरी वहीं पे बैठी हुई है और यहाँ पे उसका अंडा है, तो मेरी मर्जी है कि उसी की लोकेशन पे अंडा जो है वो रख देते हैं ताकि उसे तसल्ली रहे। कैमरे हमारे पीछे चल गए हैं जी, बिजली आ गई है उनमें। भाई आराम से, आराम से भाई, आराम से, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, आराम से। बिस्मिल्लाह। ओके, वहाँ पे हमने अंडा रख दिया। माशाल्लाह जब अंडों की बात हो ही रही है तो गोल्डन बफ कैसे पीछे रह सकती है। गोल्डन बफ ने भी दिया है एक अंडा, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसके भी काफी सारे अंडे हो गए हैं माशाल्लाह जी। गोल्डन बफ का अंडा आ चुका है और ये तकरीबन कल इसने अंडा नहीं दिया, बाकी ये डेली अंडा दे रही है। हमारे पास 6-7 अंडे हो गए हैं, जब इसकी बस होगी तब सारे के सारे अंडे हम रखेंगे इंक्यूबेटर में। इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से प्यारे प्यारे से चिक्स, गोल्डन बफ के बच्चे, चूजे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैमरे जो है वो जबरदस्त लग गए हैं। बस अभी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे जो है वो मजबूती के साथ नहीं आता, उसको हमने मजबूत करना है, अच्छी सिग्नल यहाँ तक पहुँचाने हैं, तो हमारे जो कैमरे हैं वो ऑनलाइन चल जाएंगे। फिर भाई मुबशर और जैन भाई को आईडी भेजूंगा, वो वहां से बैठ के जू को देख सकते हैं। शिकार पकड़ा हमने भाई, मुबशर की किचन में शिकार है। पहले भी मैं आया था लेकिन वो भाग गया था, यहाँ पे था, वो मट्टी जो है वो खड़ी हुई है, तो वो शिकार है जी यहाँ पे। हाँ जी कैसे हो? चूहिया छोटी सी, तो इसको हम पालतू करेंगे। अब रहोगी? दाने गंदम बहुत कुछ खिलाऊंगा, ये जोश में आके भाग जाएगी मुझे लगता है। इसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के ना, शॉपर डाल के फिर पकड़ा जा सकता है। सही कैच किया मैंने। लीजिए जी पिंजरे में हम छोड़ने तो लगे हैं। ओ तेरी, ओ भाग गई यार, ओ तेरी पिंजरे में भी भाग जाएगी ये। ओ भाग गई, ओ तेरी घर में नहीं, घर में नहीं। ओए भाग गई। गलती हो गई, बहुत ही छोटी थी ये पिंजरे की, हालांकि बहुत क्लोज जो है वो तारे हैं, लेकिन फिर भी इसमें से भाग निकली है। इसके अंदर भाग के फिर ज़ारा जो अंदर जा सकती है बाहर भी आ सकती है, कोई बात नहीं फिर पकड़ेंगे। बस मैं देखना चाह रहा था कि चूहा हम रख सकते हैं कि नहीं, वो दाने खाएगा क्या खाएगा, फिर कुछ दिन बाद हमने छोड़ देना था। चले कोई बात नहीं, उसकी किस्मत। इधर मुर्ग जो है वो ढीला ढीला हुआ हुआ है, तो भाई मुबशर ने बताया था कि इनको ना बचपन में पानी नजर नहीं आता, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं पानी में थोड़ा कलर डाल देते हैं, फूड कलर, उससे फिर इसको पहचान हो जाती है और ये पी लेता है। तो अभी इसको पानी पिलाएंगे।
पी ले यार। ऑस्ट्रिच जो है ना ये बहुत ही हसास परिंदा है, मुझे तो ऐसे ही लगा है। तो बचपन में इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर ख्याल नहीं रखा जाए तो एक तो पहले से हम खो चुके हैं, दूसरा हम नहीं खोना चाहते। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो, इतना बड़ा हो और यहाँ पे घूमे फिरे, मजे करे और फिर हम इसको बाहर भी लेके जाए। किसी और वजह से ना मसला हो, अभी पानी का मसला है तो इसको पानी जो है वो पेट भर के दोबारा से पिलाएंगे। इंजेक्शन हाँ, लेकिन वो खराब हो गया, इंजेक्शन लेके आते हैं, उससे भी अगर पिलाना पड़ा तो पिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं जा रहा हूँ शहर, वहाँ से हम ग्रीन वो कपड़ा होता है जो भी साहिबान होता है, अभी मुझे उसके नाम तक का नहीं पता, तो खैर वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़फरवाल पहुँच चुके हैं और हमने ये शीट जो है ना ये ले लिया है, जिसके साथ छांव करते हैं, अभी जाते हैं, अगर टाइम मिला तो जाके लगानी भी है आज ही इंशाल्लाह। तो जल्दी से चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम बर्ड शॉप पे हैं, माशाल्लाह यहाँ पे तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड, कॉकटेल है हमारे पास, लव बर्ड हमने रखे थे, खा गए थे, वो बड़े तेज हैं। यहाँ से हम लेंगे ये पानी की बॉटल्स लेंगे जिनमें पानी पिलाते हैं, क्योंकि वो बर्तन होते हैं ना तो वो खासकर सील मुर्ग और दूसरे जितने भी हैं वो मिट्टी उसमें फेंक देते हैं बर्तन में, तो ये होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा, ताज़ा रहेगा और पीते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मोर को पानी पिलाने के लिए सिरिंजे दो ले ली हैं, ऐसे तो वो पानी पीता नहीं, शायद इससे तो पिला लेंगे हम ज़बरदस्ती भी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ू में पहुंच चुके हैं, ये इंजेक्शन है जी, इससे हम पानी पिलाएंगे ऑस्ट्रिच को। ऑस्ट्रिच जो है ना बड़ा धीमा धीमा लग रहा है, दाने तो वो खा रहा है, ये देखा अभी दाने खा रहा है, लेकिन बहुत स्लो है, बड़ा सुस्त है। तकरीबन एक जो इंजेक्शन है ना ये 60 ml का था, 30 ml लिखा हुआ है, वो तो 60 कह रहे थे। चलें बहरहाल जी एक पिलाया है, थोड़ा सा बाहर निकला है, बाकी सारा उसने पी लिया है, फिर थोड़ा सा रेस्ट देते हैं जो तकरीबन 15-20 मिनट बाद फिर पानी पिलाएंगे। इसकी खुराक जो है वो चेंज करनी है, तो ये कटा हुआ नहीं है फिलहाल, ऐसे डालते हैं, अगर खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको काट के डालेंगे इंशाल्लाह। ऐसे तो नहीं खाएगा, माशाल्लाह जी रैबिट आ गए खाना खाने, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा करेंगे कि ये जो घर है ना इसके पास ही रख के खिलाएंगे, ताकि इनको कोई हो यार यहाँ पे रहना। और उसके अलावा हम ये जो ग्रीन शीट लेके आए हैं या तरपाल लेके आए हैं, इससे हम इसकी घेराबंदी करेंगे और उसमें रैबिट छोड़ेंगे, फिर रैबिट को मजबूर उसमें घर बनाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो घर बनाएंगे और फिर वहाँ पे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बोतल काटी है, उसको आगे लगा लिया, क्योंकि ये कील अगर लगाएंगे ना तो निकल जाएगा, हवा से निकल जाएगा ऐसे, अगर इतना बड़ा पीस पीछे होगा ना तो निकलेगी नहीं इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम शॉर्ट में लगा लेंगे, बाद में अगर गुंजाइश हुई तो फिर बीच बीच में भी कील लगा लेंगे इंशाल्लाह। हमारे कैमरे जो हैं वो जल गए हैं, वो लाइट दे रहा है, एक हमारी लाइट ये ऑटोमेटिक लग रही है। ये हम जो कपड़ा ले मतलब शीट जो लेके आए थे, तरपाल कह लें, तरपाल जो लेके आए थे ग्रीन कलर का, हमने एक ही सा इतना लगा दिया है, इतना ये होगा कि हवा अंदर नहीं जाएगी, जो परिंदे हैं ये सिक्योर सिक्योर फील करेंगे इंशाल्लाह। ये इतना ही हिस्सा आगे भी लगाएंगे यहाँ तक इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारा इंडोर कैमरा जो है वो भी सही से काम कर रहा है माशाल्लाह। खैर जी हमारे कैमराज लग गए, वो लगाना था एक हिस्सा, हमने वो लगा दिया। अभी हमने ऑस्ट्रिच को घर लेके जाना है, उसके अलावा टर्की के जो बच्चे हैं उन्हें घर लेके जाना है, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या करना है, जो टर्की के बच्चे हैं ना वो बहुत ही बीमार हैं और ढीले डाले हुए हैं, आंखें बंद हैं उनकी, मेरे पास कोई हल नहीं है। एक को मैंने पानी पिलाने की कोशिश की है, 2-3 घूंट उसने पिए हैं, बाद में उसने ऐसी जैसी उल्टी नहीं की, थोड़ा सा पानी उसके मुँह से निकला और फिर वो ऐसे बेहोश हुआ, थोड़ा सा हरकत में आया तो मैंने फिर रख दिया। ये जितने दूसरे ना गोल्डन बास्केट वो बिल्कुल फ्रेश हैं, और जितने टर्की के हैं ना सारे के सारे ढीले डाले हैं, और इनके पेट में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पेट है। पता नहीं अभी अपना खाना जो है ये खुद खाते हैं या इनकी माएँ जो हैं वो खिलाती हैं। बहरहाल जी मैं जल्दी से गया साथ वाले गांव, हमारे गांव से सिरिलैक मुझे नहीं मिला, तो मैं साथ वाले गांव से गया सिरिलैक लेके आया, उसको मैंने बनाया। इंजेक्शन भर भर के ये थोड़ा सा रह गया, कप यहाँ तक था देख सकते हैं, तो भर भर के मैंने ये टर्की के बच्चों को पिलाया ना, तो ये जो सहमे हुए थे ना अब ये ठीक ठाक हैं ये। और उसके अलावा दो जो है ना वो उनकी तो हालत और ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, सबसे पहले मैंने उन्हें खाना खिलाया,
फिर वो ऐसे जैसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे आवाजें कर रहे थे। उनको मैंने क्या किया, जैन भाई का जो ड्रोन का डिब्बा है ना, ये वाला, इनमें ये सुला दिया, यहाँ पे ये सुला दिया मैंने, ये दोनों आराम कर रहे हैं। तो यहाँ से हीट ज़्यादा मिलेगी। ऑस्ट्रिच जो है ये भी थका हुआ था, अब ये देख रहे हैं, ये भी ठीक है। इसको भी मैंने सीरीलाइट पिलाया, पानी पिलाया, खिड़कियाँ जो खुली थी हमने बंद कर दी हैं। सुबह सुबह हमने इसे ज़रूर चेक करना है। दुआ कीजिएगा कि हमारे चूज़े जो हैं सारे के सारे सुबह तक ठीक ठाक हों, खुशबाश हों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, अगली वीडियो में देखते हैं कि हमारे चूज़ों का क्या बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।